सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज बड़ी दुखद घटना है मध्य प्रदेश के इतिहास में घटित हुई है, और ये घटना मध्य प्रदेश को झकझोर देने वाली घटना है। और इस घटना की जितनी कड़ी निंदा की जाए साथियों, उतनी कम है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के सागर संभाग के दमोह जिले के अंदर जिस प्रकार से हमारे परिवार के ऊपर गांव के दबंग लोगों ने कम से कम आधे घंटे तक फायरिंग की, और जब फायरिंग करने के बाद में उस फायरिंग से भी जब उनकी जान नहीं गई तो पत्थरों से कुचल कर कुल्हाड़ी से वार करके उनको मारा गया। ये मध्य प्रदेश के इतिहास में इतनी भयानक घटना है कि हम लोग अगर इस घटना पर चुप रहे तो शायद इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। ये जो घटना है, एक जमीन विवाद था, तो जमीन विवाद में देहात थाना अंतर्गत सागर नाका चौकी के समीप देवरन गांव है, उस गांव के अंदर उस परिवार को बंदूक की गोलियों से चकनाचूर कर दिया। मैं वहां की तस्वीरों को देखकर मन बड़ा विचलित है, और सागर संभाग के दमोह जिले के जितने भी साथी हैं, आप लोग तैयारी करें, हम लोग इस घटना पर चुप बैठने वाले नहीं हैं। प्रशासन की नाकामी देखी है आपकी, इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद एक आरोपी भी अब तक अरेस्ट नहीं हुआ। शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आखिर आप क्या कर रहे हैं? अगर यही घटना अगर किसी और दलितों को छोड़कर अगर किसी और कम्युनिटी के साथ में होती तो अभी तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री से लगाकर गृह मंत्री तक का स्टेटमेंट आ जाता। कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी है, और आज भीम आर्मी और राजा समाज पार्टी के साथियों ने दमोह में अंबेडकर सर्किल पर चक्का जाम करके अपनी मांगों को सरकार के सामने जाहिर किया है। अगर सरकार ये कान खोलकर सुन ले इस बात को कि अगर उन मांगों पर अगर सरकार खरी नहीं उतरती है तो हम लोग बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में हैं, और सब लोग साथी आप लोग तैयार रहें। हम लोग बहुत ही जल्द सागर उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, मेरे परिवार के लोगों से हम लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। आप लोग तैयारी कीजिए। साथियों, दूसरी घटना, आज ग्वालियर जिले के भितरवार अंतर्गत गोहिंदा गांव के अंदर हुई। उस गांव के अंदर भीम आर्मी और राजा समाज पार्टी और बहुजन समाज के लोगों ने मिलकर एक सामाजिक लेवल पर पंचायत बुलाई, और ये संघर्ष हो रहा है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, जिन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया, हमें शिक्षित किया, उनके लिए, उनकी प्रतिमा को लेकर हमारे भीम आर्मी में आया समाज पार्टी के लोग संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और लगभग पिछले 8 दिनों से वहाँ पर डटे हुए हैं और वहीं पर खाना पानी, वहीं पर टेंट लगाकर सो रहे हैं। तो हमारे कर्मठ साथी रूपेश केन जी, जिनके साथ में भाजपा के विधायक और उनके जो सिक्योरिटी गार्ड है और गुंडों ने मिलकर रुपेश केन जी को रोकने का काम किया, और उनके साथ में बदतमीजी की, और मेरे प्राप्त जानकारी के अनुसार ये है कि उनकी सोने की चेन को भी छीनने का काम किया और जान से मारने की धमकी दी। तो मैं सैल्यूट करता हूँ उन भाइयों को कि आप लोग
आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, आप लोग ग्राउंड जीरो पर लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग तैयारी कीजिए, हम लोग वहां पर भी आने की बिल्कुल तैयारी में हैं। बिल्कुल एक एक कार्यकर्ता हमारा ये ना समझे, उसके साथ में भाई चंद्रशेखर आजाद जी, भाई विनोदन सिंह जी और पूरी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का साथ है। अगर मेरे कार्यकर्ताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को कुछ होता है तो फिर हम लोग मध्य प्रदेश में चैन से बैठने वाले नहीं है। और आप लोग हमारा बायोडाटा चेक कर सकते हैं कि हम लोग किसी भी घटना पर चुप नहीं रहे हैं, चाहे वो नेमावर हो, चाहे नीमच का कन्हैयालाल मेघवाल हो, चाहे हमारे ग्वालियर में जो कांड हुआ हो। तीसरी घटना साथियों, भिंड जिले में हमारी एक नाबालिग छोटी बहन की कल लाश मिली। भीम आर्मी के लोगों ने जाकर उस पर कार्रवाई करवाई, लेकिन अभी तक आरोपी फरार है और पुलिस ये जानने में सक्षम नहीं हो रही है कि आखिर ये कृत्य किसने किया। तो उस पर भी जाकर आज भीम आर्मी परिवार से मिली है और आगे की रूपरेखा हमने लोगों ने तय कर रखी है। एक घटना हमारे खरगोन जिले की मंडलेश्वर के अंदर, जहां पर हमारे एक आदिवासी परिवार, हमारी बहनों के साथ में मारपीट की गई। पुलिस बर्बरता आप देखिए कि पुलिस ने उनके साथ में बदतमीजी की, उनको मारा, यहाँ तक कि उनके प्राइवेट पार्ट में मारने का काम किया। और उससे भी पुलिस की बर्बरता का पेट नहीं भरा तो वो अश्लील अश्लील हरकतें की। तो इन चीज़ों को लेकर 28 अक्टूबर के दिन हम लोग खरगोन में आंदोलन कर रहे हैं और मैं खुद स्वयं खरगोन पहुंचने का काम करने वाला हूं साथी। तो खरगोन, मंडलेश्वर, धार, खंडवा, बुरहानपुर, जितने भी जो साथी हैं आसपास के, आप लोग खरगोन पहुंचे 28 तारीख को सुबह 11 बजे। मैं खरगोन आने का काम कर रहा हूँ साथी, आप लोग तैयारी कीजिए। हम लोग इस अन्याय की लड़ाई में अपनी गर्दन कटवा सकते हैं, लेकिन गर्दन झुकवा नहीं सकते। और आज जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर, चाहे दलित हो चाहे आदिवासी हो, जिस प्रकार से एट्रोसिटी हो रही है, जिस प्रकार से घटनाएं हो रही है, कहीं ना कहीं हमें सोचने की जरूरत है कि प्रशासन, शिवराज सिंह चौहान की पुलिस नाकाम है। और नाकाम पुलिस या तो दलित आदिवासियों पर बर्बरता करती है या फिर उनके मुकदमे को दबाने का प्रयास करती है। सागर और दमोह के साथ ही आप लोग तैयारी कीजिए, हम लोग पीड़ित परिवार को अकेला नहीं छोड़ सकते, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आ रहे हैं, पूरी तैयारी कीजिए। मैंने इस घटना को माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को अवगत करा दिया गया है और इस घटना से पूरा बहुजन समाज, आज पूरा भारत देश शर्मसार हुआ है। बड़े शर्मनाक घटना है। तो आप लोग साथी तैयारी कीजिए, हम लोग बहुत ही जल्द इन सब मामलों को लेकर बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। मैं खरगोन पहुंचने वाला हूँ 28 तारीख को, और 28 तारीख के बाद में हम लोग दमोह पहुंचने वाले हैं। तो दमोह के साथ ही आप लोग तैयारी कीजिए और अपने क्षेत्र में इस प्रकार से जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं पर आप लोग बड़ी बुलंदी के साथ अपनी लड़ें। क्योंकि साथियों, इस प्रकार से घटनाएं समाज को तोड़ने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं इस प्रदेश के अंदर, अब ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि शिवराज सिंह चौहान दलित और आदिवासियों की बेटियों के साथ जब रेप होता है, दलित आदिवासियों के लोगों को मारा जाता है, तो उनको ये गाजर मूली की तरह लगता है कि इनकी कोई जान की वैल्यू नहीं है। लेकिन भीम आर्मी और आर्य समाज पार्टी और बहुजन समाज के लोग अपने अधिकारों की, अपने लोगों की और अपनी बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा करना भली भांति जानता है। सागर की घटना, दमोह की घटना से आज पूरा देश शर्मसार है और हम लोग उन जो हमारे मृतक जो 3 भाई हैं और जो तो गंभीर अवस्था में घायल हैं हमारे भाई, हम उनके ऊपर अत्याचार का बदला हम लोग जरूर लेंगे।
उन आरोपियों को हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, उनको फांसी की सजा दिलवा कर ही हम लोग दम लेंगे साथियों। और ग्वालियर के अंदर, भितरवार के अंदर, गोविंदा गांव के अंदर हमारे जो साथी संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। आप लोग इसी तरह बुलंदी से, वहाँ पर अपना बुलंदी से आप लोग डटे रहें। वो जमीन हमारी है, वो जगह हमारी है, और बाबा साहब अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले की जो प्रतिमा लगाई है आप लोगों ने, बिल्कुल तारीफ़ काबिल है। हम आपके साथ खड़े हैं, आप लोग तैयारी कीजिए, 28 तारीख में पहुँच रहा हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।